जय माता की दोस्तों, आपकी अपनी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह त्यौहार 4 नवम्बर को है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए और उनकी सुख समृद्धि की कामना के लिए रखती है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करवा माता के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना भी करते हैं। इस दिन महिलाएं पूरे दिन बिना पानी पिए उपवास रखती है। रात को चांद के दर्शन और पूजा के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करती है। करवा चौथ में चांद का दर्शन और पूजा का विशेष महत्व होता है। सुबह से निर्जला व्रत रखते हुए जब रात को चांद के दर्शन होते तब करवा चौथ का व्रत पूरा माना जाता है। 4 नवंबर को करवा चौथ का व्रत है, उसका चंद्रोदय समय क्या है आइए जानते हैं। करवा चौथ की रात यानी 4 नवंबर को रात के 8:11 पर चंद्र दर्शन होंगे। हालांकि अलग अलग शहरों में चांद निकलने में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। आइए जानते हैं कि देश के प्रमुख शहरों में किस समय पर होंगे चांद के दर्शन। दिल्ली 8:11 पर, नोएडा 8:11 पर, मुंबई 8:51 पर, जयपुर 8:22 पर, देहरादून 8:03 पर, लखनऊ 8:00, शिमला 8:06 पर, गांधीनगर 8:42 पर, इंदौर 8:30 पर, भोपाल 8:23 पर, अहमदाबाद 8:44 पर, कोलकाता 7:40 पर, पटना 7:45 पर, प्रयागराज 8:03 पर, कानपुर 8:07 पर, चंडीगढ़ 8:11 पर, लुधियाना 8:11 पर, जम्मू 8:11 पर, बेंगलुरु 8:12 पर, गुरुग्राम 8:12 पर, असम 7:19 पर। दोस्तों, इस बार करवा चौथ पर कुछ योग बन रहे हैं। इस बार 4 नवंबर को करवा चौथ का पर्व आ रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार वर्षों बाद विशेष ज्योतिषीय योग और संयोग बन रहा है। चतुर्थी बुधवार, मृगशिरा नक्षत्र, अहर्निश शिव महायोग, सर्वार्थ सिद्ध योग और बुध प्रधान मिथुन राशि का चंद्रमा, ये सब अखंड सुहाग के प्रतिमान करवा चौथ को कुछ विशेष बना रहे हैं। ये सभी योग पूरे शिव परिवार का आशीष प्रदान करने वाले हैं। करवा चौथ चतुर्थी की तिथि बुधवार के दिन पड़ने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। बुधवार को करवा चौथ पर भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिस कारण से पति और पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। इस योग पूजा करने से महिलाओं को व्रत का पूरा फल मिलेगा। आइए जानते हैं चतुर्थी तिथि का प्रारंभ और समाप्ति और करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त। दोस्तों, चतुर्थी तिथि का आरंभ 4 नवंबर 3:24 पर होगा और चतुर्थी तिथि समाप्त 5 नवंबर 5:14 पर होगी। अब जानते हैं पूजा मुहूर्त। करवा चौथ पूजा मुहूर्त शाम 5:30 से लेकर 6:48 तक रहेगा। करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय 8:15 से है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। हम ऐसी ही ढेर सारी जानकारी के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें। जय माता की। धन्यवाद।